दोस्तों, मरने के बाद में कोई जिंदा हो सकता है या सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन सा जरूर लगता है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ एक महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसे दफनाने की तैयारी चल रही होती है, लेकिन 10 घंटे बाद वह अचानक फिर से जिंदा हो जाती है। इसके बाद में उस महिला ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुन के पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। उस महिला का नाम जीनिया है, जो कि पेशे से एक नर्स है। वह थर्ड स्टेज कोमा में पिछले रविवार को चली गई थी, जिसके बाद में परिवार वालों ने इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि इसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, अस्पताल ले जाने से इसे अधिक परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने जीनिया के परिवार वालों से उन्हें घर पर रखने की ही सलाह दी। जब डॉक्टर जीनिया के घर से चले गए, उसके कुछ समय बाद घर वालों ने देखा कि जीनिया ने सांस लेना बंद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद यह पुष्टि कर दिया कि जीनिया की मौत हो चुकी है। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिए और परिवार वालों को दे दिया। इसके बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू कर दी। जीनिया के परिवार वालों ने कब्र खोदने वाले को बुला लिया, साथ ही दफनाने की रस्म पूरी करने के लिए एक पदारी को भी बुलाया गया। और अब जीनिया को दफनाने की तैयारी चल रही थी, तभी उसकी बेटी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी माँ का माथा छुआ। अब जीनिया के बेटी को समझते देर न लगी कि उसकी माँ अभी जिंदा है। अब उसके बाद उन्हें वह हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा है। जीनिया का डॉक्टरों ने जांच किया। लगभग 10 घंटे बाद जीनिया फिर से पहले जैसे सांस लेना शुरू कर देती है और एक हफ्ते बाद जीनिया का फिर से आँख खुल जाता है। मतलब कि जीनिया अब फिर से जिंदा हो चुकी है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। होश आने के बाद में जीनिया ने जो बात बताई वह हैरान करने वाली थी। जीनिया ने बताया कि कोमा के दौरान उसे स्वर्ग दिखा। जीनिया ने अपने माता पिता को आवाज लगाई। जीनिया का कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके माता पिता वही कहीं हैं और उनसे मिलने जरूर आएंगे। जीनिया ने आगे बताया कि जब कोमा के बाद उसकी आँख खुली तो उसके आस पास सफेद कपड़े पहने लोग उसे फरिश्ते की तरह लग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वह सब डॉक्टर थे। जीनिया ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिन स्वर्ग में थी। दोस्तों, यह रही सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।